नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों की हो गई है बल्ले बल्ले। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 55 लाख पेंशनर्स के लिए आ गई है गुड न्यूज। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तारीख हो गई है फाइनल, जल्द ही कर्मचारियों को मिलेंगे बड़े तोहफे। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा कब मिलने जा रहा है और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ कौन कौन से और दूसरे बड़े तोहफे भी मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। इसी महीने सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होने वाला है जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ वेतन में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, दरअसल हर साल सरकार के अधीन काम करने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जुलाई से सितंबर महीने के बीच डीए बढ़ोतरी का इंतजार रहता है क्योंकि यह लाभ नीचे स्तर के कर्मचारियों से लेकर उच्च पद पर बैठे अधिकारियों को भी मिलता है। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग के तहत साल में 2 बार कर्मचारी का वेतन और डीए बढ़ाया जाता है। जनवरी से जून 2024 तक के AICPI आंकड़ों से यह कन्फर्म हो गया कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। इसको एजेंडे में शामिल कर दिया जाएगा जिसकी 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में घोषणा की जाएगी। ऐसे में 50,000 रुपये की मंथली सैलरी पाने वाले कर्मचारी की सैलरी में 1500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% हुआ था। एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभाव में आएगा। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले महीने के बकाया के लिए भी पात्र होंगे। साल 2023 में लागू डीए बढ़ोतरी का ऐलान सरकार ने 18 अक्टूबर को किया था। सरकार के इस ऐलान से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को फायदा हुआ था। एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों को 25 सितंबर की कैबिनेट बैठक में बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा और 2 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।